In YouTube channel by Deepika Chawani easy home recipe. Today आज आपको मसाला खिचड़ी बनाने की विधि बताती हूँ. उसके लिए चाहिए हाफ टेबल स्पून ऑयल. यहाँ पर हम 1 कप राइस भिगा कर रखा है. यहाँ खिचड़ी के लिए मूंग का दाल रोस्टेड भिगा कर है. यहाँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हम 1/2 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक और हल्दी लेंगे. आप अब गरम तेल में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए. उसमें अदरक लहसुन में 1/2 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर डालिए. अब थोड़ा सा हल्दी 2 पिंच, दाल पानी के साथ ये है. अब उसमें हम भिगा हुआ चावल, अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे. उससे अच्छी तरह पकने दो चावल और खिचड़ी. उसके बाद खिचड़ी अच्छी तरह पकी बाद उसमें हम फ्राई ऑनियन डालेंगे. उसे आप मसाला करी के साथ खा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच बाय दीपिका चौहान. यहाँ पर हमने दाल, खिचड़ी, गरम मसाला, अदरक लहसुन, चावल आप जिस तरह पकाते उसी तरह इस मसाला खिचड़ी को भी पकाइए.